हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमल गुप्ता और आज मैं आपको बताऊंगा कि विंटर्स में आप अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। सर्दियां जैसे ही आती हैं तो हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं ये श्रिंक कर जाते हैं, जिसके कारण कि हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होने की टेंडेंसी हो जाती है। और यही नहीं, जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं, उनके फटने का चांस बढ़ जाता है और साथ ही साथ में ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। और इसी के कारण हार्ट अटैक्स की संख्या जो है विंटर्स में बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इससे हमें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें विंटर्स में, पर्टिकुलरली बैलेंस्ड डाइट लें, क्योंकि जैसे ही विंटर्स आती हैं तो फास्ट फूड का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फास्ट फूड में सॉल्ट का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और यही नहीं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी फास्ट फूड में ज़्यादा होती है, जिसके कारण कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ते हैं और साथ ही साथ में ब्लड प्रेशर भी एबनॉर्मल हो जाता है। और ऐसा ही नहीं, फास्ट फूड से शुगर के लेवल भी बढ़ते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो जिनको ब्लड प्रेशर है या जिनको ऑलरेडी हार्ट के ट्रबल्स हैं, उन लोगों को ट्रबल होना ज़्यादा शुरू हो जाता है। इसीलिए अपने डाइट को बैलेंस रखना, फास्ट फूड से बचना और कार्डियक एक्सरसाइजेज जो हैं हमारे बॉडी के लिए अच्छे रहते हैं, जैसे कि वॉकिंग है, जॉगिंग है या फिर साइकिलिंग है, इस तरह के एक्सरसाइज करके और बैलेंस डाइट लेके आप अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर जो लोग धूम्रपान करते हैं वो धूम्रपान से बचें और साथ ही साथ अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स जरूर कराएँ और समय और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें। धन्यवाद।